इतना राम राम भाईयो। राम राम फौजी साहब, के बात घुमाई वो चाल पड़ा, तेरे पे भी अटैक होने जाता। फौजी फौजी आदमी कभी नहीं रुकता, चाहे वो फौज में हो चाहे गांव में, उसका काम चलते रहना होता है। अरे फौजी साहब, हम तो नू कह रहे थे कदे मारा लो भी बैठ जाया कर, कदे ओक्का पानी पी लिया कर, फौज में कड़ा टाइम लगता होगा आपने। फौजी आदमी सभी बुरी चीजों से दूर रहता है, और तुमको शर्म नहीं आती? अरे काम करने का समय है और तुम ताश खेल रहे हो और साथ में हुक्का पी रहे हो। तुम लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा, अरे तुम्हें कोरोना से डर नहीं लगता क्या? फौजी इब ओका पीवा के मास्क लगावा, अरे ऊ भी बिना शक्ल देखे ताश खेलन में के मजा। अरे तुम लोग ओका भी पीते हो और इतने साथ साथ बैठे भी हो, ताश भी खेल रहे हो, अगर एक का भी कोरोना हो गया ना तो तुम सबका कोरोना हो जाएगा, देख लेना तुम। फौजी साहब और बता न छोड़, पहले नू बता, यो कुत्ता ओड्डा है चलता चलता घिस गया भाई, या अपनी लाडो से और या बड्डी होने लाग गई से। फौजी साहब इस तो बड्डी तो गामा में बिल्ली हो जासे, इस तो बिल्ली तो डरती भी ना होगी, गामा मानस जब डरेंगे भाई। या बिल्ली को ना शेरनी है कति पक्की, जा तरह एक मिनट में एक किलो वजन ना घट जा तो चाहे अजमा के देख ले भाई। फौजी क्यों मारा टाइम खराब कर ला रहा है, तना अपना काम करना तो कर ले, आराम ना अपना काम कर दे। हाँ भाई, तुम तो देश की अर्थव्यवस्था पर काम करने लग रहे हो, मैंने रोक दिए, करो काम। ए बेटी, हाँ एक गिलास पानी ला दे मेरे खातर। बाऊजी पानी लाऊं सु और चा धर रखी से। ए बेटी, तेरी माँ की जा रही है, दिखती कौन है? बाबूजी वा तो गेर में जा रही से डांगरा का करण, और मैं आड़ लाग रही सू। ठीक से बेटी। ए बुआ, या मैंने चाह बना दी से, एक बाबू ने दी आई है, इतने में रोटियां की तैयारी कर ली सू, दिया अपनी जाके लत्ते सुखान लाग रही सू, और रोटियां का जुगाड़ दो मिनट पाछे कर लिए। तू इस गात का थोड़ी सी हाल मत ना लागन दिए, जब थोड़ा सा काम में हाथ बटा लेगी तो तेरा कुछ ना बिगड़े। ए इतनी ना बोल ले, देखिए ना इसी का मेरी आदियाना, मैं भी काम में लागी रहूं सू। बुआ रान देने, इसा कौन सा काम करे से, एक आधा काम करे से ना वो भी अपना करे से। और सुन मेरी बात, कदे इतना काम तो मैंने अपने सासरे में भी ना करा जितना मैं आड़े फूकू सू। ए बुआ रान दे, जब इतना काम करे तो अपने सासरे में रहो यार, आड़े ना पड़ी रहो यार। अरे तुम कौन झगड़ रहे हो भाई, देख ले मने के कैसे न्यू कैसे माड़ पड़ी रहूं सू। हे इसका कहन का यो मतलब कौन है बेबे? भाई मैं इसके सारे मतलब जानू सू, और पड़ी सू तो अपने घरा पड़ी सू, तेरे घरा पड़ी सू। ये जब तनाड़ रहन देखो रोक सके, तेरे भाई का घर है तू मोस्त रह। ये क्यों रोड़ा मचा रहे सो, थरे बोपू की आवाज गाड़ती जान लाग रही से। रोड़ा तो तुमने मचाए रखा से, इस घर का चिड़िया घर बना दिया तुमने, 24 घंटे चीज चीज रखे जाओ। हाँ चिड़ियाघर से, और तू सही चिड़ियाघर का रिंग मास्टर, दे दे जानवर ना ट्रेनिंग। अरे मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं तो उधर बॉर्डर पर ही ठीक था। बेरा तो था नहीं पट्टेगा, यो कर भी बॉर्डर तक घटना से। अरे तुम बॉर्डर की तुलना घर से क्यों कर रहे हो, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? ठीक कहूँ सू, एक तान्या का गोला तो न्यूनता आवश्य है, एक गोला न्यूनता आवश्य है, बीच में फंस गया ये बिना वर्दी का छपाई। अरे हम पूरे देश को दुश्मनों से बचाते हैं, पूरे देश को संभालते हैं हम लोग, और तुमसे ये घर नहीं संभालता। ओह नो। हाँ हाँ, इब तू आ गया तू संभाल लिए, देखूंगी कितना अक्का कोर्ट मार्शल करेगा। भाई सबसे पहले इसकी परेड करवाइए, इसने ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। मन्ने ना कितने भी भर्ती होना, जो मेरा काम से वो मेरा बढ़िया तरिया आवस है, और मन्ने कोई ट्रेनिंग की जरूरत ना से, ट्रेनिंग की जरूरत उसने से जिनके पड़े पड़े गोड्डे जाम हो जैसे। वो छोरा के घर तक गया, तू तो बहुत पंख फैलान लगी, गणी ना उड़े धरती पा जा। पापा जी या तो नुए बड़बड़ करे जागी, लो चाय पी लो। तुम लोगों ने इस घर का बिल्कुल डिसिप्लिन खराब कर रखा है। अरे क्या हो गया नु, किस तरह उदास हो रहा है बेटा? क्या उदास हो गया बाबू, ये कोरोना ने सबकी बैंड बजा रखी है, सारे काम धंधे बंद करा दिए। बेटा यो कोरोना तो सभी देशों में फैला हुआ है, हमारे देश में किनारा फैल रहा है, नु बता तू क्यों मुंह लटका रहा है? के बताऊं बाबू, ये कोरोना के चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई, बॉस ने घने आदमी काट दिए। अरे जब इसको फैलाने वाले भी तो हम लोग ही हैं, इसका परिणाम भी हमें ना भुगतना पड़ेगा भाई,
अरे ये एम्बुलेंस क्यों आई है गांव में? बेटा मैंने उनको पहले ही बोला था कि मास्क लगा कर रहा तो ईब सरकार का दोस्त निकालेंगे कि सरकार कुछ नहीं करती। बाबू साची में सरकार कुछ ना करती ना इसे श्यान उठाकर जेल में गिर दे। बेटा सरकार तो अपना साथ चल रहा है, जब हम सरकार का सहयोग ना करेंगे तो सरकार हमारी क्या मदद करेगी? जब हम कितने फोन करा सा ना तो अमिताभ बच्चन भी नोको बस है, अक दो गज की दूरी हाँ। मास्क है जरूरी, पर लाता के भूत बाता तो ना मान्या करते, इनके तो कान ना मर रूई भर खे रूई। यह बात भी ठीक है बाबू, अब मैं सरकार का साथ ना देते और फिर अपना दोस्त भी उससे के माथे ला दे। हाँ भाई सरकार भी नोको है, जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलो और मास्क जरूर लगाओ, और हम इनकी एक नहीं मानते। ठीक है बाबू, हम भी आगे तो यो मंत्र अपनाओगे, दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और जरूरत होगी जब भाई करते लगड़ांगे। रे भगवान सुने से के एक बहुरे ना आइए मने बाथरूम ताई ले चाल, मेरा प्रेशर बन रहा से। रुक जा दो मिनट, ठाली कोने बैठी मैं काम लाग रही सूं। अरे तू काम थोड़ी बार पाछे कर लिए ना ते मेरा खाट में मौसम बिगड़ जाएगा। एक मिनट रुक जा, ना ते इस खाट ने थी थड़ा ने अपने आप धोगा, मैं हाथ नहीं लाऊंगी। तावली सी आ जा, ना ते काम बिगड़न ना हो रहा से। और जाले भाई केज में अपना काम तक करके नहीं आया, पांव और तड़वाया आया, ई बेरा ना कै दिन में जाके ठीक होगा। अरे न्यू कह देने तने मेरा काम करना पड़ रहा से, तू जाए तेरो वैसे और क्या एक बनना ना बनावे, मने बेरा से तू के चाव ऐसे। मैं तने ठीक कूं सू, इबे बात कर ले लेन देन की, कुछ ते ले आया होगा रिटायरमेंट पे। रे तने लेन देन की पड़ रही से, आड़े जी लिकड़ना हो रहा से, थोड़े दिन अपनी जुबान ना बंद रख ले, पाछे बतला लेंगे, वक्त आन दे कर लेंगे भाई ते भी हिसाब। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना हरियाणा का कलाकार अमर कटारिया। तो दोस्तों आप देख रहे थे फौजी का गांव एपिसोड नंबर 4। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई कमी रही हो, कोई हमसे या मेरी टीम से गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने इस चैनल को कटारिया फिल्म्स को चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कमियां रही हमारे अंदर, ताकि हम भविष्य में वो कमियां ना करें। और दोस्तों आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा परिवार हमारे वेब सीरीज को देख सके, किसी प्रकार की कोई भी गंदी बातें या गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल एक सामाजिक एक अच्छा मैसेज देंगे समाज में। और गांव की स्टोरी है, फौजी के ऊपर स्टोरी है, तो अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई गलती हुई हो तो भाई माफी चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।